नमस्ते दोस्तों, लिव टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मसाला मूंगफली और ये मूंगफली बहुत टेस्टी होंगी खाने में और इसको हम कभी भी बनाकर खा सकते हैं और एकदम इजी है इसको बनाना और इसको हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे तब खा सकते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मूँगफली लिए हैं। मूँगफली के दाने ईजीली बाजार में मिल जाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम ये मूँगफली के दाने भून लेंगे। इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। बस स्लो से एकदम हल्की सी तेज से ही भूनी है और इसको हमें चलाते हुए भूनना है। थोड़ी थोड़ी मूँगफली हमारी भून गई है क्योंकि खुशबू आ रही है मूँगफली भूनने की, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं भूनी है। अभी इन्हें हमें और भूनना है। दोस्तों देखिए मूंगफली हमारी भून गई है और इसको भूनने में हार्डली 10 मिनट लगे, ज़्यादा देर नहीं लगी। गैस हम बंद कर देते हैं और इनको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। मूंगफली को निकाले हुए में थोड़ा सा समय हो गया, थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब एक टॉवल ले लेंगे हम। टॉवल में हम ये मूँगफली डाल देंगे क्योंकि हमें इनका छिलका रिमूव करना है, तो इसको हम इस तरह से रगड़ेंगे तो छिलका आसानी से निकल जाएगा। या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ऐसा हाथों से रख करके भी ये आसानी से निकल जाते हैं देखिए, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आसान रहेगा। दोस्तों देखिए ये हमने छिलके और मूंगफली को ऑलमोस्ट अलग कर लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं, या तो हम थाली में पटक लें या फिर हम इस तरह से एक छन्नी ले लेंगे। इस तरह की सभी क्या होती है, इस तरह से सारे छिलके नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से हम सारे छान लेंगे। दोस्तों देखिए मूंगफली से छिलका हमने उतार लिया है। इसमें थोड़े से दानों का छिलका है तो उसमें कोई बात नहीं है। हमें कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने सादा नमक लिया है, सफ़ेद नमक जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। ये आधा छोटा चम्मच लिया है। आधा छोटा चम्मच ही हमने काला नमक लिया है। आधा छोटा चम्मच हमने काली मिर्च ली है। आधा छोटा चम्मच हमने भुना हुआ जीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच ही हमने पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च ली है। चलिए भून लेते हैं मूँगफली हम। गैस पर हमने वही कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने मूँगफली भूनी थी। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं घी में बना रही हूँ। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम ये मसाला ऐड कर देते हैं, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और ये काला नमक, और इसको हम थोड़ा सा चला देते हैं। और इसमें हम ये डाल देते हैं दाने। गैस हम स्लो कर लेते हैं और इसमें हम मूँगफली को अच्छे से मिला लेते हैं जैसे कि मसाला मूँगफली के ऊपर कोट हो जाए। मूँगफली बहुत फ़ायदा करती है, इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये वीमेन के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहती है, तो इसको हमें अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हम इन्हें 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसाला मूंगफली पे अच्छे से कोट हो गया है देखिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों देखिए मसाला मूंगफली बनके तैयार हो गई है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कितना आसान है इनको बनाना और इसको हम 15-20 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाए तो इनको हम एयर टाइट डिब्बे में या कांच के बाउल में किसी में भी बंद करके रख दें तो ये काफ़ी दिनों तक हमारी चल जाएंगी। तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।